अगर वालदे तुम सब बच्चे बैठे हो वालद को अपनी जन्नत बना लो माँ बाप को अपनी जन्नत बना लो उनकी दुआ ले लो मेरे नबी ने फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती माँ माँ का खास तौर पर मेंशन किया मेरी माँ क्यों कि बाप को तो देखा ही नहीं और माँ को देखा है छः साल मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज़ के मसल्ले पे खड़ा होता और मेरे घर से मेरी माँ कहती मोहम्मद तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता मेरा नबी कह रहा है और जब आप हज पे तशरीफ़ ले गए और अब वाह के मैदान से गुजरे जहाँ मेरे नबी के वालदा का इंतकाल हुआ था इस बात को सतावन साल गुजर चुके हैं छः बरस की उम्र में मदीना से निकले तीन अफ़राद मेरे नबी मेरे नबी की माँ मेरे नबी के वालिद की बांधी उम्मे ऐमन वो भी माँ हैं उन्होंने भी दूध पिलाया था मेरे नबी को दो माएँ हैं एक दूध पिलाने वाली एक पैदा करने वाली और एक मेरे नबी हैं जब अबवा के पहाड़ों में पहुँचे तो अचानक हार्ट अटैक से हज़रत आमना पच्चीस साल की उम्र में इंतकाल फरमा गई और मेरे नबी ने इतना उसका गम लिया छः साल का बच्चा मैं सन दो हज़ार में वहाँ गया था मेरे आंसुने रुकने को आ रहे थे कि कहाँ मेरे नबी की माँ को अल्लाह ने उठाया न कोई आसरा न कोई सहारा न कोई रिश्ता न कोई झोली न कोई छाव ऐसे तने तनह यतीम कर ली एवं उनको पत्थरों में दबा के नीचे उतरे उनमें अमन को से हाथ छोड़ा कर भागे और ऊपर पहाड़ी पे चढ़ गए जब उम पीछे गई तो आपने उम अमन ने क्या देखा कि अबवा के पहाड़ भी रो रहे होंगे अब माँ की कब्र को चिमट कैसे ऊपर लेटे हुए थे कब्र को पकड़ा हुआ था ऊपर लेटे हुए थे जब उम अमन करीब आई तो सुना आप कह रहे थे अम्मा जी आपको तो पता था आपके सिवा मेरा कोई ना था अब मुझे छोड़ के कहाँ चली गई क्यों चली गई छह साल का बच्चा पहली मौत देख रहा है तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ के साथ हुआ क्या है वो मैमन ने उठाना चाहा आपने उठने से इनकार कर दिया इस सदमे को सीने में लिए हुए सत्तावन साल के बाद दिन बंदा रो नहीं सकता रोना ही चाहे तो रोहन नहीं आमता सत्तावन साल के बाद आप उस वादी से गुजरे आपने ऊटने को माँ की कब्र की तरफ मोड़ दिया और इन पिलर्स को तीन गुना करो तो वो पहाड़ बनता है छोटे चो, छोटी पहाड़ी थी ऊँटनी को नीचे बिठाया ऊपर पहाड़ पर गए और ये मुझे देखो यूं आपने घुटने खड़े किए माँ की गबर के सराने और ये हाथ यहाँ रखे और फिर सर दिया अपने घुटनों में यूं फिर रोना शुरू किया इतना रोए अप्रैल का महीना था धूप सर पे पड़ रही थी हम तो ठंडी धूप में बैठे हैं शदीद धूप में बैठे थे और इस कंडीशन में ये बच्चों का स्टाइल होता है जब लंबा रोना हो तो वह बैठते हैं सर अंदर देकर उतना रोए कि आपकी दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई सीना तर हो गया एहराम तर हो गया और कई घंटे बैठ के रोते रहे दो जहान के सरदार होकर तमन्ना कर रहे हैं काश है अम्मा तू जिंदा होती तो मुझे कहती मोहम्मद मैं तेरे लिए नमाज तोड़ देता और मेरे नबी ने ये बच्चियां गौर से सुनो मेरे नबी से पूछा गया यार रसोल्ला क्या मत कब आएगी आपने फरमाया ये तो अल्लाह को पता है ने कहा यार अल्लाह कोई निशानी बता दे तो आपने फरमाया जब बच्चियां माओं को जलील करेंगी तो क्या मत आ बेटियाँ जब बेटियां माओ के साथ बदतमीजी करेंगी और माओ को जलील करेंगी तो क्या मत आ जाएगी एक मां बेटी को मैं भूल नहीं सकता मां के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे और बेटी मां से कह रही थी भौक नहीं हमारी अपनी वो पंजाबी भाव का नहीं ऊ ये तो हम नौकर को कहते हुए डरते हैं वो मां से कह रही थी भौक नहीं यानी बकवास ना कर और चुप सिर्फ आंसू उसके गिर रहे थे ऐसे। yes. शायद वो याद कर रही थी कि नौ महीने कैसे उसको मैंने पेट में पाला जनते हुए कितनी तकलीफ़ों से गुजरी और उसको दूध पिलाते हुए कितनी रातें मैंने काट काट के गुजारी, और इसके पेशाब धोते हुए कितनी दफ़ा मैं सर्दी में ठिठरी, और आज ये मुझे कह रही है भौक नहीं इसलिए मेरे नबी ने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया सुनो गौर से बच्चों सारे सुनो जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत उस पर फ़रिश्तों की लानत उस पर ज़मीन आसमान की लानत न उनकी नमाज़ कबूल है न रोज़ा कबूल है न सदक़ा कबूल है इस मेरे नबी की ज़िंदगी का दूसरा रूप इबाद नमाज़ हकूक़ल्ला में आ जाती है मैं इबाद की थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ माँ बाप जिंदा हैं तो दुआ ले लो वालदेन से कहता हूँ बच्चों को इज्जत दो जहाँ औलाद माँ बाप के हुकूक हैं वहाँ औलाद के हुकूक हैं औलाद को इज्जत दो औलाद को इज्जत दो औलाद को इज्जत दो बहुत सी औलाद की नाफरमानी का जरिया माँ बाप बन रहे हैं सख्ती करके ज़बरदस्ती करके और ठोस कर चीज़ें नौकरों की तरह सलूक करके मेरे नबी के घर में जब बेटी फातिमा मिलने के लिए आती थी तो मेरे नबी बैठे नहीं रहते थे जो अब, अब चेयर पर बैठे हुए बीबी फातमा आ गई अब ज़मीन पर बैठे हुए हैं बेटी आ गई अब चारपाई पर लेटे हुए हैं बेटी आ गई मेरे नबी क्या करते थे खड़े हो जाते थे खड़े हो जाते एकदम खड़े हो जाते थे और फिर खड़े नहीं रहते थे तेज़ी से आगे बढ़ते थे और हज फातिमा का हाथ पकड़ लेते थे ये वालदेन गौर से सुनो फातमा का हाथ पकड़ लेते थे और हाथ पकड़ के मुझे देखो ए यूँ बोसा लेते थे बेटी का बोसा लेते थे फिर हाथ छोड़ते नहीं थे हाथ पकड़े पकड़े लाते लाते लाते, लाते उनको चारपाई पर पहले बैठाते थे फिर खुद बैठते थे ये पाप और रसूल होकर बेटी को ये इज्जत देते थे फिर वो जन्नत की औरतों की सरदार बनी फिर वो जन्नत के सरदारों की माँ बनी फिर वो अल्लाह के शेर की जोजा बनी तो वालदेन से कहता हूं कि अपने बच्चों को इज्जत दो इज्जत दो इज्जत दो इज्जत दो